हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। एंटरटेनमेंट की दुनिया की खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। और आज मैं बात करने वाली हूं एक ऐसी एक्ट्रेस की जो इन दिनों हॉलीवुड में धमाल मचाती हुई नजर आ रही है। दरअसल मैं बात कर रही हूं एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की। इन दिनों दीपिका पादुकोण कांस फेस्टिवल में धमाल वो मचा रही हैं, जलवा वो बिखेर रही हैं अपने अलग लुक्स को लेकर। जिस तरह से उन्होंने पिछले कई दिनों से हर एक पिछले दिनों ये देखा जा रहा है कि बड़ी बड़ी जो उपलब्धि वो हासिल कर रही है। एक तो मशहूर जो लग्जरी ब्रांड है लुई विटों की, वो पहली जो इंडिया की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर बनी, और ऐसे में जो है कांस फेस्टिवल में वो पहुंची हुई हैं। वहां पर वो जो है फिल्मों को जज कर रही हैं, क्योंकि वो जूरी मेंबर के तौर पर वो वहां मौजूद हैं। अपने अलग अलग लुक्स से वो जो है तहलका वो मचा रही हैं। और ऐसे में दीपिका पादुकोण को लेकर आज हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों को उन्होंने रिजेक्ट किया था, जिसमें हाल ही में जो फिल्म आई थी आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी, इसको लेकर भी ये खबर आ रही है कि पहले ये फिल्म जो है दीपिका पादुकोण को जो है ऑफर की गई थी, लेकिन दीपिका पादुकोण ने ये फिल्म करने से इनकार कर दिया। तो ऐसी तमाम ऐसी फिल्में हैं जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर दीपिका पादुकोण ने वो कौन कौन से फिल्मों को जो करने से मना कर दिया था। हालांकि इसके पीछे की अलग अलग वजह थी, कभी उनके पास डेट्स नहीं रहती थी, कभी उनके पास कोई और काम होता था, और ऐसे में उनके जो पर्सनल रीजन भी होते थे। लेकिन इस तरह से जैसे कि हमने गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर जो भी बात यहाँ पर बताई है, क्योंकि एक तरफ जो है आलिया भट्ट जो है इस फिल्म को लेकर जो है काफी ज्यादा सक्सेसफुल वो हो गई हैं, क्योंकि काफी ज्यादा इस फिल्म को पसंद किया था, और लेकिन दीपिका पादुकोण पहली चॉइस इस फिल्म की मानी जाती है। इसके बाद आपको बता दें कि जिस तरह से दीपिका पादुकोण ने हॉलीवुड फिल्म में भी काम किया, और लेकिन उन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की 7 सीरीज के लिए उन्हें अप्रोच किया गया था, और इस फिल्म को करने से भी दीपिका पादुकोण ने मना कर दिया था। हालांकि जो वजह यहाँ पर बताई जा रही है कि डेट्स की वजह से उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया था। धूम फिल्म की अगर बात करें, धूम 3 में हमने कटरीना कैफ को देखा था, और इस फिल्म में भी दीपिका पादुकोण को लेने की इच्छा जाहिर की गई थी, लेकिन इस फिल्म को भी करने से दीपिका ने जो है मना कर दिया था, और ये रोल आ गया कटरीना कैफ के पास। फिर बात करें सुल्तान की, सुल्तान सलमान खान की मूवी, और इसमें जो है हमने अनुष्का शर्मा को देखा था, और इस फिल्म के लिए भी जो है दीपिका पादुकोण का अप्रोच किया गया था, क्योंकि आज तक दीपिका पादुकोण सलमान खान के साथ कोई फिल्म में नजर नहीं आई है। आज तक उन्होंने कोई भी जो है स्क्रीन सलमान खान के साथ शेयर नहीं किया है, और देखिए ये मौका भी दीपिका ने गंवा दिया। फिल्म रॉय की अगर बात करें, जिसमें हमने जैकलिन फर्नांडिस को देखा था, जैकलिन का ये वाला जो रोल है पहले दीपिका पादुकोण को जो है ऑफर किया गया था। तो देखिए ये जो फिल्में हैं जिसमें अब दूसरी एक्ट्रेसेस नजर आती हैं, इसमें भी दीपिका पादुकोण की जो है पहली चॉइस दीपिका पादुकोण ही होती है फिल्म मेकर्स की। भाई दीपिका पादुकोण का जो दबदबा है, जो डंका है, हर जगह बजता हुआ नजर आ रहा है, और ये बड़ी फिल्मों में दीपिका पादुकोण ने जो काम नहीं किया है। चलिए आगे देखते हैं उनकी कौन कौन सी फिल्म आती है, इस बारे में भी हम आपको हर एक अपडेट पहुँचाएंगे। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।